गुड मॉर्निंग, ये दीक्षांत मेगा पीटी टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट नंबर 12 का आंसर डिस्कशन सेशन है। इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 36 से 70 तक क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर एक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। आपको कॉलम एक में कोई क्रांति दी हुई है, जैसे कि ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ इत्यादि, और कॉलम बी में उससे संबंधित क्षेत्र दिया हुआ, यानी किस क्षेत्र से संबंधित था, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन कृषि से था, अनाज की खेती से। तो यहाँ पे है गोल क्रांति, रजत क्रांति, स्वर्ण क्रांति, और सामने आपको फल उत्पादन, तिलहन उत्पादन यानी ऑयल सीड्स, और अंडे का उत्पादन, ये तीन दिया हुआ है और आपको सही उत्तर चुनना है। यहाँ पे आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि गोल क्रांति है वो आलू के उत्पादन से रिलेटेड है। आप स्क्रीन पे एक फिगर देख सकते हैं, आपको फिगर में एक्चुअली कुल मिला के 11 ऐसे सेक्टोरल क्रांतियां नजर आएंगी, 11 एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशंस नजर आएंगे, जिसमें सबसे पहले ऑब्वियस ग्रीन रिवोल्यूशन। यहाँ पे जो गोल क्रांति है मैंने कहा वो आलू से जुड़ा हुआ है, रजत क्रांति एग के प्रोडक्शन से है, अंडे के उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति फल के उत्पादन से है, जो तिलहन उत्पादन से है है वो येलो रिवॉल्यूशन में आता है, तिलहन का ऑयल सीड्स का उत्पादन येलो रिवॉल्यूशन में आता है। तो यहाँ पे तीनों जो हैं वो गलत सुमेलित हैं, एक भी सही नहीं है, तो आपका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, अफ्रीकन कैटफिश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उन कथनों में से सत्य कथन को चुनें। पहला, यह एक विदेशी आक्रामक प्रजाति है जिसे भारत में खेती के लिए प्रतिबंधित किया जा चुका है। आप स्क्रीन पे एक इमेज देखेंगे और इमेज देखते ही वो लोग तो पहचान ही गए होंगे जो मतलब आस मार्केट में से जाके फिश वगैरह खरीदते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन, एक छोटे से मतलब बकेट में पानी में उसको रखा जाता है, इट इज़ मोस्टली अलाइव और काफ़ी डेंस होता है, यानी एक छोटे से बकेट में काफ़ी सारी फिश रखी होती है, ये वही अफ्रीकन कैटफिश ही है। इट इज़ एक्चुअली ये एक फॉरेन इन्वेजिव स्पीसी है जिसे भारत में लीगली कल्टिवेट नहीं किया जा सकता, इट इज़ लीगली इसके ऊपर बैन लगा हुआ है। दूसरा, यह देश भर में जल निकायों और जलाशय में व्यापक रूप से पाया जाता है। इलीगल होने के बावजूद इसने दरअसल पूरे देश में वाटर बॉडीज़ को कंटेमिनेट कर दिया है, रिवर हो गए, पॉन्ड्स हो गए, रिजर्वा हो गए, वेटलैंड्स हो गए, ये ऑलमोस्ट थ्रू आउट कंट्री, आसाम में से लेके राजस्थान के केवलादेव घना से लेके मतलब साउथ में आपके ये टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व तक, हर जगह ये पाया जाता है और ये पूरी तरीके से फैल चुका है भारत देश में। और इसका कारण क्या है कि ये बहुत ही, इसका जो हैबिटेट है ये बहुत ही यूनिकली सूटेबल है टू सर्वाइव इन एडवर्स एनवायरनमेंट। कैसे, एक तो ये कीचड़ में रह सकता है, इट कैन सर्वाइव, ये मुंह से सांस लेता है एज यू कैन सी फ्रॉम इट फेस, ये शैलो और शैलो वाटर में जमीन पे ये रेंग भी सकता है, और इसी के इन्हीं चीज़ों के थ्रू ये मतलब एक वाटर बॉडी से दूसरे वाटर बॉडी में जाता है अगर कहीं से कल्टीवेट किया जा रहा है, सो इट कैन ईजिली, अगर किसी छोटे पॉन्ड में किया जा रहा है तो उससे वो मतलब ईजिली अगर बगल में कोई रिवर है तो वहाँ तक वो पहुँच सकता है। और तो और ये मतलब बहुत ही डेंस तरीके से सघन आबादी में भी जी सकता है, मतलब इसको बहुत ही छोटे एरिया में काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में कल्टीवेट किया जा सकता है, इसका मतलब पॉपुलेशन बढ़ता जाता है। तो इसके कुछ खासियतें हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी एडवर्स इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर जाता है और इसलिए ये पूरे देश में फैल भी रहा है। और इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर अटैकिंग दो स्मॉल बर्ड्स जो पानी वाटर बॉडीज़ के आसपास रहती है, उन पर अटैक भी करता है। तो ये जो तीसरा है कि यह उथले कीचड़ और ख़राब ऑक्सीजन वाले पानी में जीवित रह सकता है, यानी कि अगर पानी गंदा भी होगा तो भी उसमें सर्वाइव कर सकता है, इनफैक्ट ये ज़मीन तक पर रेंग सकता है, और यह छोटे पक्षियों पर हमला करने के लिए जाना जाता है, ये तीसरा भी सही है। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसमें से सत्य कथन को चुनें। मिश्रित फसल में घटक फसलों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती और मिश्रित फसल में मुख्य फसल लंबी अवधि की फसल हो सकती है और द्वितीय फसल कम अवधि की हो सकती है। दरअसल ये दोनों जो लक्षण है ये मिश्र खेती के नहीं, इंटरक्रॉपिंग के, आपको पता होगा दो तरीका होता है, एक मिश्र खेती हो गई जिसे हम मिक्स फार्मिंग कहते हैं और एक होता है इंटरक्रॉपिंग।
इंटरक्रॉपिंग में क्या है कि जो अगर कोई फसल लगाई है उसकी दो दो कतार के बीच में एक दूसरी फसल लगा देना, ये हो गया इंटरक्रॉपिंग। क्यों? ताकि जो अवेलेबल स्पेस है इतना इसको यूज़ किया जा सके, खाली ना रहे। वेयर एज मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के बीजों को मिक्स करके एक बार में खेत में छांटा जाता है, उसको सीडिंग की जाती है खेत की। दोनों का कारण अलग है। इस केस में जो स्पेस अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करना, और इस केस में कि अगर कोई एक फसल फेल हो जाती है, मान लीजिए किसी वजह से वो एक फसल फेल हो गई, तो दूसरी फसल से आपको मतलब इतना नुकसान तो होगा लेकिन आपको इतना नुकसान नहीं होगा। तो इट्स लाइक ये एक तरीके का इंश्योरेंस है और ये एक तरीके का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड है। दोनों में ये अंतर है। अब यहाँ है कि मिश्रित फसल में घटक फसलों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। ये गलत इसलिए है क्योंकि बिल्कुल प्रतिस्पर्धा होगी। अगर एक ही खेत में, अगर ये आपका खेत है और यहीं में यहीं पे हर चीज़ एक साथ लगा हुआ है, सब एक साथ उसकी, तो ऑब्वियसली दे विल कम्पीट विथ ईच अदर फॉर वॉट रिसोर्सेज। न्यूट्रिएंट्स हैं, पानी है, अगर एक फसल ने ज़्यादा पानी सोख लिया दूसरे के लिए कम बचेगा, खाद है, पेस्टिसाइड है, तो रिसोर्सेज के लिए दो क्रॉप्स के बीच में कंपटीशन यहाँ होता है। यहाँ उतना नहीं होता क्योंकि, या नहीं कह सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे दे आर, आप टारगेट कर सकते हैं कि अभी हम इस फसल की सिंचाई के लिए पानी डाल रहे हैं, दूसरी फसल के लिए बाद में डालेंगे। दोनों एक साथ नहीं है, थोड़े दोनों के बीच में डिस्टेंस भी है, तो न्यूट्रिएंट्स को लेके भी कंपटीशन नहीं होगा। तो दोनों दो फसलों के बीच में मिश्र खेती में कंपटीशन होता है, इंटरक्रॉपिंग में नहीं होता। यहाँ पे उल्टा लिख दिया है। दूसरा, मिश्रित फसल में मुख्य फसल लंबी अवधि की फसल हो सकती है और द्वितीय फसल कम अवधि की हो सकती है। अगेन ऐसा इंटरक्रॉपिंग में होता है। मिश्र क्रॉपिंग में मोस्टली दोनों सेम अवधि की फसलें होती हैं। और इसमें क्या होता है, अलग अलग अवधि की होने की वजह से किसी एक को जल्दी से उसकी कटाई हो जाएगी, लेकिन इसमें साथ में ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आपके स्टेटमेंट नंबर एक और दोनों गलत हैं। और इन दोनों में और क्या क्या अंतर है, किस तरीके के ज़मीन के लिए और किस तरीके के एग्रोक्लाइमेटिक जोन के लिए इंटरक्रॉपिंग मोर सूटेबल है, किस तरीके के एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के लिए मिक्स फार्मिंग सूटेबल है, इसके बारे में आप थोड़ा एज अ होमवर्क देख लीजिए। कौन सा रेनफेड फार्मिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल है इन दोनों में से, कौन सा इरीगेटेड फार्मिंग के लिए, ये सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि दोनों कथन गलत है। ये दोनों फीचर्स इंटरक्रॉपिंग के हैं, मिक्स क्रॉपिंग के नहीं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पौधों की वृद्धि के नियामक हैं, ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन। तो आपका आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। ये करते क्या है, जो ऑक्सिन है ये आपको फ्लावरिंग, पहली बात तो फूल लगना इसमें काम आता है, अगर जो रूट्स हैं रूट्स डेवलप हो उसमें काम आता है, और भी कुछ खासियतें हैं। और एक और बात, ये एक सिंगल केमिकल नहीं है, नॉट ए सिंगल केमिकल बट रादर अ ग्रुप। तो ऑक्सिन इज अ ग्रुप, इनको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं, यानी उसका नियामन, प्लांट के ग्रोथ का ये नियामन करते हैं। कुछ उसको इनकरेज भी करेंगे तो कुछ उसको इनहिबिट भी करेंगे। दूसरा, एब्सिसिक एसिड, इसका क्या काम है, इथिलीन, इथिलीन जो है आपका वो फल को पकाने के लिए काफ़ी फेमस है, फल को पकाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो एब्सिसिक एसिड है वो, इसकी एक खासियत ये है कि ग्रोथ और फ्लावरिंग इन दोनों को ये इनहिबिट करता है, यानी कि रोकता है, इनको स्लो डाउन करता है। तो ये भी रेगुलेशन हुआ ही, एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को, फ्लावरिंग को, इन चीज़ों को इनहिबिट करता है, उन्हें रोकता है। जो बाकी दो हैं वो फैसिलिटेट करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। लेकिन ओवरऑल ये सब प्लांट, इसमें इनको, ये तीनों आते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में, उनको रेगुलेट करने वाले। और इनके अलावा दो और हैं जिन्हें हम गिबरलिन कहते हैं और साइटोकिनिन्स कहते हैं। एनसीईआरटी में टोटल 5 दिया हुआ है, ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, गिबरलिन और साइटोकिनिन्स। तो आप देख लीजिए कि वो दोनों का क्या फंक्शन है। तो आपका यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए,
एंजाइम ज़्यादातर प्रोटीन होते हैं जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, जो जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को बढ़ाते हैं, विच इज़ करेक्ट। जो एंजाइम है आपको पता है कि वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, अगर कोई मेटाबॉलिज्म का कोई रिएक्शन है तो उसमें सबस्ट्रेट से वो अटैच होके उसकी स्पीड, जो उसमें स्पेसिफिक स्लॉट्स होते हैं एंजाइम्स पे, वहाँ पे दे गिव अ लार्जर सरफेस एरिया, जिसकी वजह से तेजी से रिएक्शन हो पाता है। तो ये आपका सही है कि दे आर काइंड ऑफ कैटलिस्ट। दूसरा, रक्त द्वारा एंजाइम को शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाया जाता है। ये गलत है, क्योंकि हार्मोन्स को ऐसे पहुँचाया जाता है। एंजाइम्स जहाँ प्रोड्यूस होते हैं उनका वहीं इस्तेमाल होता है, और एंडोक्राइन ग्रंथियों यानी कि अंतःस्रावी तंत्र की ग्रंथियों में एंजाइम उत्पन्न होता है। ये फिर से गलत है, क्योंकि हार्मोन्स का अंतःस्रावी ग्रंथियों में मतलब प्रोडक्शन होता है, एंजाइम्स का बहिस्रावी ग्रंथियों में होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। और मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो ज़्यादातर प्रोटीन होते हैं, लेकिन जो हार्मोन्स हैं दे कैन बी एब्स्ट्रैक्ट ऑफ प्रोटीन्स, एमिनो एसिड एट्सेट्रा। एक एग्जेम्पशन है जो ये एकमात्र एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं है, बाकी मोस्ट ऑफ देम आर प्रोटीन। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। क्वेश्चन 41, बकिंगम पैलेस घोषणा पत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। आप जानते हैं कि इंग्लैंड में जो रॉयल फैमिली का निवास है उसे बकिंगम पैलेस कहते हैं। पहला, कॉमनवेल्थ राष्ट्रों में मानवाधिकार संवर्धन, मृत्युदंड को समाप्त करने की अपील, वन्य जीव तस्करी से संघर्ष और आर्कटिक वन्य जीव की रक्षा करना। तो देखिए, एक बॉडी है जिसका नाम है, मे बी आप इसको वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, इसके नाम है यूनाइटेड फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रांसपोर्ट टास्क फोर्स। यूनाइटेड फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रांसपोर्ट टास्क फोर्स। अब इससे आपको अंदाजा आ गया होगा कि ये आपका, यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन सी, वन्य जीव तस्करी से संघर्ष। बकिंगम पैलेस डिक्लेरेशन इसका, इस बॉडी से रिलेटेड है। अच्छा, इसके ऑब्वियसली मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे कुड बी एनजीओस और एनी अदर कंजर्वेशन बॉडी। नाम है यूनाइटेड फॉर, वो आर यूनाइटेड, कौन यूनाइटेड है, ये इसके मेंबर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने बकिंगम डिक्लेरेशन दिया है। इस बॉडी के सबसे मेन पेट्रन है ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज, यानी कि जो इंग्लैंड एंड जो रॉयल फाउंडेशन है वो इसके सबसे मेन एक्टर हैं इस बॉडी के। ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज मींस अभी जो प्रिंस विलियम है उन्हें कहा जाता है कि उनका टाइटल है ये ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज। और ख़ास करके इस बॉडी की खासियत ये है कि ये कंजर्वेशन में जो रेंजर्स हैं, जो फ्रंट लाइन पे हैं, जो पोचिंग और हंटिंग और इलीगल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए फाइट करते हैं स्मगलर्स से, उन लोगों की याद में भी ये काम करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर है वन्य जीव तस्करी से संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 42, कृषि और बागवानी के लिए दोमट मिट्टी बहुत अनुकूल होती है। दोमट मिट्टी में रेत, गाद और मिट्टी के घटकों का सही अनुपात क्या है, यानी कि दोमट मिट्टी को इंग्लिश में कहते हैं लोमी सॉइल, इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले, इसका सही अनुपात क्या है। आपका आंसर है ऑप्शन बी, 40-40-20। कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों समान अनुपात में हो, कि 33-33-33, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें सैंड सिल्ट क्ले है 40-40-20। इसकी खासियत क्या है, सही अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट है, वाटर, ये सही अमाउंट में वाटर को रिटेन करता है, ना ज़्यादा ना कम, और बाकी को जाने देता है, ड्रेनेज भी अच्छा है इसका। तो ये बागवानी और कृषि के लिए काफ़ी काम में आता है। यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन बी, 40-40-20। क्वेश्चन नंबर 43, सतकोशिया टाइगर रिजर्व पे निम्नलिखित में से, सतकोशिया टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आ चुका है पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे, तो इट इज़ काइंड ऑफ अ नॉर्म राइट नाउ ऐसे क्वेश्चन पूछना। यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन बी,
इसी के पास में एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है बैसीपल्ली, BASIPALLI। ये दरअसल सतकोसिया पहले एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था जिसे 2007 के आसपास टाइगर रिजर्व के तौर पर डिक्लेयर किया गया है। आप देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपकी मेमोरी पावर अच्छी है और आपके पास रिवाइज करने का सफिशियंट टाइम है तो प्रिफरेबली यू शुड गो थ्रू द लिस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स इत्यादि। लेकिन समस्या यह है कि बहुत ज़्यादा है, सो होपफुली आप बिना कोई मेंटल प्रेशर लिए 4-5 बार रिवाइज कर लीजिए एंड होपफुली यू आर एबल टू रिकॉल इट। बाकी इस चीज़ को लेके आप इतना लोड मत लीजिए। आपका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में अधिसूचित तटीय नियमन क्षेत्र 2018 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसमें से कौन सा कथन सत्य है उसको चुनें। पहला, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के पास इन विनियमों को अनुमोदित करने के लिए अंतिम शक्ति विद्यमान है। ये गलत इसलिए है क्योंकि अंतिम शक्ति जो फाइनल अप्रूवल है वो यूनियन कैबिनेट देती है। इस चीज़ को लेकर पूरी प्रोसेस कंसल्टेशन, ड्राफ्टिंग, रीड्राफ्टिंग, फाइनल फॉर्मुलेशन ये सब होता मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में है, लेकिन जो फाइनल अप्रूवल है वो यूनियन कैबिनेट से आता है। तो पहला वाला गलत है। दूसरा, वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर सतत विकास पर अधिक जोर दिए जाने के कारण इसके तहत तटीय क्षेत्रों के अभी तक चले आ रहे 3-स्तरीय वर्गीकरण को खत्म कर दिया गया है। अब देखिए, अगर आपने इस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ा है तो आपको स्टेटमेंट पढ़ के लॉजिकल लगता है कि हाँ ठीक है, अगर कोई पुराना क्लासिफिकेशन रहा होगा जो अब साइंटिस्टों को लग रहा है कि नहीं ये तो मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उसके अगेंस्ट जा रहा है तो उसको हम ख़त्म कर देते हैं, सुनने में बड़ा नेचुरल लगता है। बट ये एक तरीके का ट्रैप है, ये सिंपली एक प्रिंसिपल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ऐसा कोई क्लासिफिकेशन एबॉलिश किया गया है। पहली बात तो 3-fold नहीं 4-fold क्लासिफिकेशन था, 1, 2, 3, 4। पहला है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, दूसरा है अर्बन एरिया, तीसरा है रूरल एरिया और लास्ट में आपका आता है लो टाइड लाइन से लेके मतलब जो कितना लो टाइड लाइन से लेके ये सर्टेन किलोमीटर्स टूवर्ड्स इनसाइड सी है, 12 नॉटिकल माइल्स इनसाइड सी। ये आपका मतलब 4 कैटेगराइजेशन है। अच्छा, पहले और दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अप्रूवल देगा, ठीक है, लेकिन अर्बन और रूरल के केस में रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल बॉडीज को ये अथॉरिटी सौंप दिया गया है। तो पहले कोई 3-fold क्लासिफिकेशन था और ना ही कोई चेंज हुआ है, पहले भी 4-fold था, अभी भी 4-fold है, तो ये दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा, नए नियमों के तहत घनी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों को विकास के अधिक अवसर मिलेंगे, ये सही है क्योंकि ये जो तीसरा है इसमें पहले था कि हाई टाइड लाइन जिसको HTL कहते हैं उससे लेके 200 मीटर तक आप कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अब इसे कर दिया है हाई टाइड लाइन से लेके 50 मीटर तक नो डेवलपमेंट उसके बाद, क्योंकि रूरल एरिया है या ज़्यादा डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, सो इट हैज़ सर्टेन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नीड्स, उसको मीट करने के लिए 200 मीटर से घटा के 50 मीटर कर दिया है कि हाई टाइड लाइन से। अगेन आप थोड़ा डीप में देखिए, लो टाइड लाइन का और हाई टाइड लाइन का मंतर मतलब देखिए, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे इंटरटाइडल जोन कहते हैं, क्या है दोनों और क्या क्लासिफिकेशन है, ये सब चीज़ों का थोड़ा देखना है। 200 मीटर से घटा के 50 मीटर कर दिया है फ्रॉम हाई टाइड लाइन टू 50 मीटर, यानी आप इतने एरिया में डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो ये सही है। लेकिन जो ऐसे रूरल एरिया जहां पॉपुलेशन एक सर्टेन फिगर फिक्स किया है, अगर डेंसिटी इससे कम है तो यही पुराना फिगर ही वहां पे वैलिड रहेगा। तो आपका स्टेटमेंट नंबर 3 सही है, 1 और 2 गलत है। आपका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से निकाय चयनीय क्षेत्रों की निगरानी के लिए संरक्षण ड्रोन का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं, यानी कि नीचे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दी हुई हैं, इनमें से कौन है जो प्लान कर रही हैं कि सर्टेन सेलेक्टेड एरियाज में कंजर्वेशन के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाए। तो पहला है भारतीय वन्य जीव संस्थान, वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया,
दूसरा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिनियम NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और तीसरा गृह मंत्रालय। अब देखिए यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन सी, केवल एक और दो। गृह मंत्रालय सिर्फ इसलिए रख दिया है क्योंकि आपको लगे कि अच्छा ड्रोन है तो कुछ इंटरनल सिक्योरिटी का मामला होगा, तो हो सकता है गृह मंत्रालय हो, या उसकी जगह हम रख देते कि डिफेंस मिनिस्ट्री या सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। दरअसल डिफेंस मिनिस्ट्री और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से परमिशन लिया गया है और गृह मंत्रालय का तो कोई रोल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक है कि कौन उपयोग करने की योजना बना रहा है, तो उपयोग करने के लिए एक और दो दोनों है। दो जगह दरअसल पायलट प्रोजेक्ट हो चुके हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क में और पन्ना में भी, तो अब उसी को स्केल अप करने की बात है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए। क्या होगा? तो टिपिकल मॉनिटरिंग, एंटी पोचिंग मतलब ट्रैकिंग हो गई जानवरों की, लोकल इकोलॉजी पे नज़र रखना हो गया इत्यादि। ड्रोन्स का आई मीन इट्स एन अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी बेसिकली, और इसके लिए एज आई सेड डिफेंस मिनिस्ट्री से और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से परमिशन लिया गया है, लेकिन गृह मंत्रालय का तो कोई रोल है ही नहीं। आपका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, जेट स्ट्रीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसमें से कौन सा कथन असत्य है। पहला, जेट स्ट्रीम आमतौर पर पृथ्वी के, अगेन यहाँ पे आपको असत्य कथन चुनना है। पहला, जेट स्ट्रीम आमतौर पर पृथ्वी के घूमने के कारण पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। और दूसरा, सर्दियों में गर्मियों की तुलना में जेट स्ट्रीम अधिक मजबूत होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेकिन इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको दो फिगर नजर आ रहे होंगे जिसमें आपको दो जेट स्ट्रीम दिखाई दे रहे हैं, एक सब ट्रॉपिकल एरिया में और एक टेम्परेट एरिया में। एक है रफली 30 डिग्री के पास, क्वेश्चन नंबर 46, एक है रफली 30 डिग्री नॉर्थ के पास और एक है रफली 60 डिग्री नॉर्थ के पास। ये साउथ में भी हो सकता है सेम। अच्छा, आपको याद होगा कि बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ, दूसरे फिगर में देखिए धरती के रोटेशन की वजह से कुल मिला के तीन सेल बनते हैं, फेरल, हेडली एंड पोलर सेल्स, और इन तीन सेल्स के बीच में एटमॉस्फेरिक प्लेनेटरी स्केल पे सर्कुलेशन होता है। क्या होता है कि इक्वेटर के पास लाइट एयर राइज करती है और सब ट्रॉपिकल एरिया में इट डिसेंड्स। सिमिलरली यहाँ पे 60 डिग्री नॉर्थ से राइज करती है एंड 30 पे डिसेंड्स करती है। तो जो इन तीन सेल का जहाँ इंटरेक्शन होता है वहाँ पे अपर एटमॉस्फेयर में ये जेट स्ट्रीम्स का फॉर्मेशन होता है। और दरअसल देखिए क्या है कि चलिए कोई भी फिगर ले लेते हैं, यहाँ पे 45 ले लेते हैं। और तो आपको पता होगा कि अगर धरती रोटेट कर रही है तो कोई इंसान अगर पोल्स पे खड़ा है उसकी स्पीड सबसे कम होगी, या आप कहें कि धरती की स्पीड सबसे कम है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपको सेम अमाउंट ऑफ टाइम में यहाँ पे पूरा एक चक्कर लगाना है और बेसिकली यहाँ खड़े के खड़े रहना है। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी इक्वेटर पे बिकॉज ऑफ रोटेशन, और यहाँ पे सबसे कम। तो क्या होगा, जब एयर यहाँ पे राइज करेगा एंड इट स्टार्ट्स गोइंग टुवर्ड्स पोल, तो आपने आपको ध्यान होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसको राइट साइड में डिफ्लेक्शन होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड में। उसका कारण ये है कि आपका जो स्पीड और वेलोसिटी है वो तो कंजर्व हो रहा है। अगर आप 10x की स्पीड से जा रहे थे, यहाँ से आपने 10x की स्पीड से शुरू किया, लेकिन यहाँ पे 5x ही है और यहाँ पे सिर्फ x है, ये मैं सिंपल फिगर दे रहा हूँ, तो आप तो अभी भी 10x की स्पीड पर हैं, बट यहाँ जो बॉडी है वो सिर्फ 5x पे चल रही है। तो क्या होगा कि आपका अपेरेंट डिफ्लेक्शन होगा टुवर्ड्स राइट, आप अभी भी नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं लेकिन आप लगेगा कि आप राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसी कारण से जो जेट्स ऐसे ही, ये और ये अपर एटमोसफेयर की बात है, तो इसी कारण से जेट स्ट्रीम जो है वो धरती के घूमने के कारण ऐसा लगता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। आप इस डायरेक्शन को देखिए, ये लगता है पश्चिम से पूर्व की ओर है, मतलब रिलेटिव सेंस में है ये। तो कारण यही है कि अपर एटमॉस्फेयर में जो इक्वेटर से एक बार एयर मूव करना शुरू किया उसका तो स्पीड और मोमेंटम कंजर्व हुआ, लेकिन बिलो इट स्पीड गोज डाउन एज यू गो टूवर्ड्स पोल। तो लगता है कि आपका अपेरेंटली डिफ्लेक्शन हो रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट।
तो आपका स्टेटमेंट नंबर एक सही है। दूसरा, सर्दियों में गर्मियों की तुलना में जेट स्ट्रीम अधिक मजबूत होता है, वो इसलिए क्योंकि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जहाँ पे दो एयर मास मिल रही है, ठंडी और गर्म एयर मास, वहाँ पे जेट स्ट्रीम काफ़ी प्रोनाउंस होती है, वहाँ फॉर्म होती है। और विंटर में इन दो एयर मास के बीच का जो टेम्परेचर गैप है वो काफ़ी क्लियर होता है, इसलिए ज़्यादा तेज ये भी विंटर में ही होती है। तो स्टेटमेंट नंबर एक और दो दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 47, तिब्बती पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसमें से सत्य कथन चुनें। पहला, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते ही यह अपेक्षाकृत व्यापक हो जाता है। और दूसरा, तारिम बेसिन तिब्बती पठार पर स्थित है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि आप देखेंगे स्क्रीन पे फिगर दिखाई देगा आपको, तो आप देख सकते हैं कि वेस्ट की तरफ जो इसका विड्थ है वो थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन यानी कि लद्दाख वगैरह की तरफ, और जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ जाते हैं अक्रॉस हिमालयाज टूवर्ड्स अरुणाचल प्रदेश वगैरह, और उसके पीछे का जो ये तिब्बतन प्लाटू एरिया है वो वाइड होता जाता है। ब्रॉडली स्पीकिंग आप कह सकते हैं कि अगर मैं इसको अलाइनमेंट में ऐसे करूं तो 6 किलोमीटर विड्थ है इस तरफ मैक्सिमम, और यहाँ पे मैक्सिमम 1000 किलोमीटर, और हाइट इसकी लगभग 4500 किलोमीटर है, एवरेज हाइट ऑफ कोर्स हाईएस्ट। तो यहाँ पे आपका ये पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा, तारिम बेसिन तिब्बती पठार पर स्थित है। तो अब तक आपने अपने एटलस में देख लिया होगा कि एक माउंटेन है पहले यहाँ पे जिसका नाम है कुन्नुन शान, शान यानी, और उसके बाद तारिम बेसिन यहाँ पर है। ये तारिम बेसिन है ये जो टकलामाकान डेजर्ट है वहाँ आया हुआ है टकला, यहाँ पे चाइना कभी कभार अपने न्यूक्लियर टेस्ट भी कंडक्ट करता है। तो आपका स्टेटमेंट नंबर एक सही हो गया, दूसरा गलत है, तो आपका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। एक तरफ आपको गर्द दिया हुआ है ट्रेंच, और दूसरी तरफ ये कौन से महासागर में है वो बताना है। पहला, कर्माटिक ट्रेंच प्रशांत महासागर, ये सही है। दरअसल ये सदर्न पैसिफिक ओशियन में है, क्योंकि आप अपने एटलस में देखेंगे तो ये जस्ट न्यूजीलैंड के नॉर्थ ईस्ट में है थोड़ा सा, एंड इट इज़ वन ऑफ द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा, दक्षिण सैंडविच गर्त अटलांटिक महासागर, ये भी सही है, एंड मोर क्लियरली मोर प्रिसाइसली इट शुड बी सदर्न अटलांटिक, क्योंकि आप जो अर्जेंटीना देखते हैं सदर्न अटलांटिक में, उसके राइट साइड में आपको दिखाई देगा दो आइलैंड है, सेंट जॉर्ज एंड साउथ सैंडविच, ये दोनों यूके की सॉवरेनिटी के अंदर आते हैं, यहीं पे है साउथ सैंडविच ट्रेंच भी। और तीसरा, मनीला ट्रेंच साउथ चाइना सी, तो ये भी सही है, आप स्क्रीन पे फिगर देख सकते हैं। देखिए, फिलीपींस के पास दो ट्रेंच हैं, फिलीपींस के ईस्टर्न साइड पे फिलीपींस ट्रेंच है और वेस्टर्न साइड पे मनीला ट्रेंच है। तो जो फिलीपींस ट्रेंच है आप कह सकते हैं कि वो पैसिफिक ओशन में गिना जाएगा, लेकिन जो मनीला ट्रेंच है वो आपको साउथ चाइना सी में कहना चाहिए। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मेरी तरफ से आप माने तो एक लिस्ट बना लीजिए, एटलीस्ट जो 12-15 ग्लोबल ट्रेंचेज हैं अक्रॉस कुछ नॉर्थ अटलांटिक ओशंस में भी कुछ ट्रेंचेज हैं, जैसे कि फिर सुंडा ट्रेंच हो गया, अरे और भी कई सारे ट्रेंचेज हैं, उसकी आप लिस्ट बना लीजिए, वो उनका लोकेशन क्या है, क्या कोई खासियत है एट्सेट्रा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, डेक्कन ट्रैप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसमें से सही कथन चुनें। पहला, यह केंद्रीय प्रकार के ज्वालामुखी के उद्गार का परिणाम है जो दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में बहुत लंबे समय तक रहा। दूसरा, आधुनिक समय में डेक्कन ट्रैप का एक बड़ा हिस्सा काली कपास की मिट्टी से ढका हुआ है। तो पहले स्लाइटली डेक्कन ट्रैप के बारे में देख लेते हैं कि ये जो ट्रैप वर्ड है तो ये स्वीडिश लैंग्वेज से आया हुआ है, जिसका ब्रॉडली मतलब होता है स्टेप्स, सीढ़ियां। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रफली 66 मिलियन ईयर अगो, रफली ड्यूरिंग द एंड पार्ट ऑफ क्रिटेशियस एज, कई सालों तक फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, जो माना जाता है कि अभी के रीयूनियन आइलैंड हॉटस्पॉट से रिलेटेड है, जिसके कारण आप स्क्रीन पे फिगर देख सकते हैं कि कितना बड़े विस्तार में जो डेक्कन ट्रैप है वो फैला हुआ है, कि इतने काफ़ी लंबे समय तक माना जाता है कि इसका ओरिजिनल एरिया था ये 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो अब घट के मुश्किल से 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक रह गया है, यानी कि इट हैज़ बीन डिग्रेडेड, बहुत टाइम हो चुका है।
तो आप सोचिए क्या इतना बड़ा इरप्शन क्या सेंट्रल टाइप से हो सकता है केंद्रीय प्रकार से, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक सिंपल एक कॉन्ड्यूट होता है और जहाँ से वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, या तो काफ़ी स्टीप साइडेड होगा या और अगर जेंटल भी होगा, अगर छोटा सा ही है जेंटल भी है तो भी इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। दरअसल ये एक फिजर टाइप इरप्शन है, उसमें क्या था कि एक हॉरिजॉन्टल फिजर है, एक क्रैक है, एक फॉल्ट लाइन आप समझ लीजिए जैसे कि अर्थक्वेक में फॉल्ट लाइन होती है वैसे ही, और उसमें से लावा केप्ट ऊजिंग आउट फॉर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टुवर्ड्स बोथ साइड्स। तो अगर जो सबसे पहले इरप्शन हुआ वो काफी आगे तक गया दोनों तरफ, फिर उसके बाद हुआ वो ज्यादा आगे नहीं थोड़ा पीछे तक ही रुक गया, और जो सबसे लास्ट में हुआ वो एकदम थोड़ा, तो आप थोड़ा थोड़ा ज्यादा आगे तक नहीं गया। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप साइड से देखेंगे तो स्टेप्स लगता है कि ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, इसलिए उसको ट्रैप कहा गया है। तो इसलिए आपका आंसर है यहाँ पे कि केंद्रीय टाइप नहीं, ये फिजर टाइप है, सेंट्रल टाइप नहीं फिजर टाइप है, कि जमीन में एक फॉल्ट लाइन था, एक क्रैक था जिसमें से फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लावा निकला और एक शील्ड बनाया, यानी कि बहुत ही बड़ा प्रोविंस। शॉर्ट में एक वर्ड है इंग्लिश में लिप्स, लार्ज इग्नियस प्रोविंस, तो डेक्कन ट्रैप भी एक लार्ज इग्नियस प्रोविंस है। तो पहला आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, यह आधुनिक समय में डेक्कन ट्रैप का एक बड़ा हिस्सा काली कपास की मिट्टी से ढका हुआ है। तो पहले फिगर में आपने देखा कि डेक्कन ट्रैप का कौन सा एरिया है, अब आप दूसरे फिगर में देखिए कि ब्लैक कॉटन सॉइल उसका क्या एरिया है, तो आपको पता चलेगा कि काफी ओवरलैप है। एक्चुअली आपको पता होगा कि सॉइल जब बनती है उसके पीछे चार फैक्टर होते हैं, जो पेरेंट रॉक है ओरिजिनली किस रॉक्स में से बना है, दूसरा क्लाइमेट हो गया, तीसरा टोपोग्राफी हो गया किस एरिया में है, और लास्ट में आता है जो बायोटिक कंपोनेंट है वो। तो जो BCS है यानी कि ब्लैक कॉटन सॉइल, उसमें पेरेंट रॉक का बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज द इग्नियस जो बेसाल्टिक रॉक थे, विच इज यू नो इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव इग्नियस फॉर्मेशन, उसका बहुत रोल है यहाँ पे। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी केवल दो। आप मैप से भी देख सकते हैं कि दे आर काफी ओवरलैपिंग एरिया है दोनों का, तो आपका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, खुले समुद्र में जैविक क्षेत्रों में निम्नलिखित खुले समुद्र में जैविक क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि जो ओपन ओशियन में जो बायोलॉजिकल जोन्स हैं उनका क्लासिफिकेशन, सबसे ऊपर वाले जोन को क्या कहते हैं और सबसे बीच वाले को क्या कहते हैं, सबसे नीचे वाले को क्या कहते हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला है प्रकाशिक क्षेत्र, खैर नाम से पता चलता है इंग्लिश में से यूफोटिक जोन कहते हैं, यह वह क्षेत्र है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की गतिविधियाँ चलती रहती हैं क्योंकि सनलाइट अवेलेबल है, जो फोटोसिंथेटिक एल्गी है, प्लैंकटन है वगैरह है, वो सब अवेलेबल हैं एंड दे प्रोड्यूस सनलाइट, सॉरी दे प्रोड्यूस ये यू नो एनर्जी विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी, तो ये सही है। दूसरा, सदा अंधकार और पोषक तत्वों की कमी के कारण गहरे क्षेत्र में कोई जीवन संभव नहीं है। देखिए जो सबसे नीचे का जोन होता है विसल जोन, वहाँ हमेशा डार्कनेस होता है, इसलिए वहाँ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी तो नहीं होती और कंपेरेटिवली अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी बहुत कम होते हैं, बट दे आर जस्ट इनफ टू सस्टेन लाइफ। जैसे कि खास करके जो बॉटम क्रॉलर्स होते हैं, जो क्रैब हो गए इत्यादि हो गए, कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड मैटर पे सर्वाइव करते हैं बाय ईटिंग द डेड मैटर्स, अगर जो ऊपर के लेयर हैं वहाँ से न्यूट्रिएंट्स अगर नीचे आके गिरते हैं, या ऊपर के लेयर में रहने वाले जीवों के डेड बॉडीज और उनके ऑर्गेनिक रिमेन्स जो नीचे गिरते हैं तो उस पर फीड करते हैं, उस पर उनका जीवन चलता है। तो ऐसा पोषक तत्वों की भारी कमी होती है, लेकिन इतना नहीं कि वहाँ पे कोई जीवन संभव ना हो, जीवन तो वहाँ पे भी संभव होता है। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, डाई एटम ए बी सी डी, ये 2014 के पेपर में डिट्टो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन ए डाई एटम्स क्रस्टेशियन एंड हेरिंग। डाई एटम क्या है, ये एक माइक्रो एल्गी है, एल्गी क्या करती है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, यानी कि इट इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो ये सबसे नीचे होगी फूड चेन में। उसके बाद क्रस्टेशियंस, मोस्टली जो क्रैब लॉबस्टर इत्यादि हो गए छोटे वाले,
ये इस ग्रुप में आते हैं। और उसके बाद है हेरिंग्स। हेरिंग्स ये लार्ज टाइप की फिश है, तो आप समझ सकते हैं कि ये ऑर्डर है। सबसे पहले तो प्राइमरी प्रोड्यूसर आएगा, तो उस हिसाब से बी और डी गलत हो गया, बचा ए और सी। फिर है पहले कौन सा आएगा, क्रस्टेशियंस या हेरिंग। तो आप देख सकते हैं कि चूंकि फूड चेन में ऐसा होता है कि इन छोटी बॉडीज़ को मतलब फिशेज खाती हैं, तो आपका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि यू हैव टू नो कि इस पर्टिकुलर जीव का नाम सिर्फ सुनने से पता नहीं चलेगा कि वो क्या है, ये पता चलना चाहिए। ऐसा नहीं लिखा था कि हिंदी में भी नहीं लिखा हुआ था कि मछली और ये पर्टिकुलर, कोई कॉमन नेम नहीं दिया होगा, तब तो पता चल ही जाएगा कौन किसको खाता है, बट ये जानबूझ के साइंटिफिक नेम दिए गए होते हैं इनके। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, वायुमंडल में ओजोन की प्रचुरता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है, डॉप्सन, हर्ट्ज, रेले और टस्क। तो टस्क तो है तो वैसे ही बना दिया था आपका, यहाँ पे आंसर है डॉप्सन। हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी से, किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए इस्तेमाल होता है। रेले यूनिट, ये जो रेले व्यक्ति थे ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन की स्टडी से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आपका आंसर है डॉप्सन। इसका मतलब क्या है कि मतलब माना गया है कि अगर ये मान लीजिए धरती का सरफेस है और यहाँ पे कॉलम बनाए फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द स्काई, तो इस कॉलम में ओजोन का क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा, उसको मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। कि और लेकिन कुछ शर्तें हैं कि 1 atm एटमोस्फेरिक प्रेशर हो और आपका जो टेम्परेचर है वो 0 degree टेम्परेचर और 1 atmosphere प्रेशर, उस सिचुएशन में इस एयर कॉलम में क्या डेंसिटी होगी, और उनको अगर प्रेस किया जाए तो कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 mm अगर कंप्रेस कर दिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 mm जितना वो ओजोन उसमें होगा, लेकिन इसको मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार, परफॉर्म, अचीव, ट्रेड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसमें से सत्य कथन चुनें। पहला, यह जलवायु परिवर्तन पर भारतीय राष्ट्रीय कार्य योजना का एक हिस्सा है, यानी ये सही है क्योंकि जो नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज है जो आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसका एक कंपोनेंट है नेशनल मिशन ऑन इन्हेंस एनर्जी एफिशिएंसी, उसके अंदर ये आता है परफॉर्म, अचीव, ट्रेड। इसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा चलाया जाता है, ये सही है। दरअसल जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, इसकी स्थापना एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत हुई थी। और ये इसको चला रही, मतलब मेंटेन कर रही है, ये भी सही है। तीसरा, पैट थ्री यानी थर्ड साइकिल में, ये थर्ड साइकिल जो है अभी 15-16 के बेस फिगर के बेसिस पे 2019-20 तक चलेगा, में 6 विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए ऊर्जा दक्षता की लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उसमें हैं जो थर्मल पावर प्लांट हैं, टेक्सटाइल हैं, पेपर एंड पल्प, एल्यूमिनियम, स्टील और आयरन एंड स्टील, सीमेंट और पल्प एंड पेपर, कुल मिला के 6 इसमें बॉडीज़ हैं। आप इसके नोटिफिकेशन को देखेंगे तो सेक्टर स्पेसिफिक एंटरप्राइजेस एंड यूनिट्स का नाम दिया हुआ है और उनके बेस 2015-16 के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, एनर्जी एफिशिएंसी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनके 19-20 तक अचीव करने के दिए, मतलब उनको क्या टारगेट अचीव करना है ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वो दिया हुआ है। फिर क्या, आपने परफॉर्म कर लिया, परफॉर्म, अचीव, ट्रेड, और अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया उससे तो आपको कुछ एनर्जी सर्टिफिकेट मिलेंगे, कुछ क्रेडिट मिलेगा, उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। कौन खरीदेगा, जो उस टारगेट को मीट नहीं कर पाया है। ये जो काफ़ी कॉमन ग्लोबल ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हीं से मिलता जुलता है चीज़ है ये। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, उपयोग सभी। क्वेश्चन नंबर 54, मेदिनी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया जाता है। दरअसल मेदिनी पुरस्कार ये पर्यावरण और उससे संबंधित मामले, जैसे कि वन्य जीव संरक्षण हो गया, पानी का की बचत हो गई, इस मुद्दों पे
अगर आप हिंदी में कुछ ओरिजिनल लिटरेचर लिखते हैं तो उसके लिए ये दिया जाता है मेदिनी पुरस्कार, और ये देता है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ और फेमस सोशल एक्टिविस्ट के नाम से भी ये लोग देते हैं अवार्ड, जैसे कि एक है कि अमृता बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, तो और भी कुछ अवार्ड्स हैं। आप जाइए और उसको एक थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए उस चीज़ को। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन केवल पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, रिक्तिकाएं और कोशिका भित्ति, और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। यहाँ पे आपका आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी करता है। एज यू नो ओनली प्लांट्स एंड एल्गी जो हैं जो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी करते हैं, ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स में ये नहीं होता है, हमारे लिए माइटोकॉन्ड्रिया है। दूसरा, वैक्यूल्स, ये जो प्लांट सेल है उसमें एज मच एज 90% ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये एक स्पेस देता है उसको, उसके जो काफ़ी सारे वेस्टेज होते हैं वो उसमें भी स्टोर किए जाते हैं। और तीसरा, और कोशिका भित्ति सेल वॉल, जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके बाहर एक सेल वॉल भी होता है जो प्लांट सेल को थोड़ी मजबूती प्रदान करता है। तो ये तीनों सही हैं, आपका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56, बोबैब वृक्ष किस प्रकार की जलवायु के लिए अनुकूल है? आप स्क्रीन पे एक फिगर देखेंगे तो आपको बोबैब का पेड़ दिखाई देगा, और देखते आप समझ गए होंगे कि आपको ने नोटिस किया होगा कि इसका जो तना है वो काफ़ी बड़ा है और उसमें ऑब्वियसली पानी स्टोर किया जाता है। अब कोई पानी क्यों स्टोर करेगा, ताकि जब पानी की कमी पैदा हो तो उस समय ये पानी काम आए। अब पानी की कमी रेन फॉरेस्ट में तो पैदा होगी नहीं, कोल्ड डेजर्ट में तो आपको उतनी पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बचा सवाना और रेगिस्तान। तो यहाँ पे आपका आंसर है सवाना, क्योंकि रेगिस्तान में तो स्टोर करने के लिए भी इतना पानी नहीं मिलेगा। सवाना में एटलीस्ट एक सीज़न आएगा जब आपको पानी अवेलेबल है, उसको स्टोर कर लीजिए फॉर दी ड्राई पीरियड। और ये मोस्टली अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर इत्यादि एरिया में पाए जाते हैं, और दे आर रेजिस्टेंस टू फायर। तो जो आप अगेन आपने पहले के टेस्ट में पूछा गया था कि इनमें से कौन सी है जो फायर क्लाइमेक्स कम्युनिटी मानी जाती है, तो वहाँ सवाना आंसर था। तो वन ऑफ द ट्रीज हैं जो इस इन्वायरमेंट में अडेप्टेड हैं। आपका यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 56 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 57, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और उपयुक्त और उनमें से कौन सा कथन असत्य है इसे चुनें। यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत स्थापित किया गया था, यानी कि कह रहे हैं जो UNFCCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, अर्थ समिट, कहा जा रहा है कि उसके तहत स्थापित किया गया था। ये गलत इसलिए होगा क्योंकि IPCC की स्थापना WMD और यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और UNEP ने इससे पहले कर ली थी, कब, 1988 में। ऑब्वियसली इसकी स्थापना क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने के लिए किया गया था, तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हो सकता है। हाँ, IPCC अपने पीरियोडिक रिपोर्ट्स के थ्रू UNFCCC में हाथ बटाती है, लेकिन उसके तहत स्थापना नहीं हुई थी। दूसरा, यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, विच इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। देखिए, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी कौन सी है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि IMF और वर्ल्ड बैंक स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं, कुछ हैं जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं, कुछ सिंपली फंड्स हैं, जैसे कि यूनिसेफ है वो एक फंड है। तो आप इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को ठीक से समझ लीजिए, फिर जो उनके जो मेन 5 परमानेंट बॉडीज़ हैं वो तो ऑब्वियसली फेमस हैं, तो आप जरा इसको देख लीजिए। यहाँ पे दोनों असत्य होंगे, आपका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है? यानी कि कौन कौन से एक्ट हैं जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, वन्यजीव संरक्षण, वन संरक्षण और जैव विविधता। आपका आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो इसके अंदर नहीं आता है। इसके अलावा जो 1926 का फॉरेस्ट एक्ट है वो भी नहीं आता है, और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट का कोई एक्ट है तो वो भी इसके बाहर रहेगा।
तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, इसके अलावा जो और एक्ट हैं जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, वाटर पोल्यूशन एक्ट, वाटर सेस एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट है आपका, है एक और एक्ट है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, ये भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट मीन्स अगर कोई, ये भी इसके अंदर आता है एनजीटी के जुरिस्डिक्शन में। ऑब्वियसली लायबिलिटी अगर कुछ ब्रेक होती है तो, अगर किसी इन्वायरमेंटल डैमेज से पब्लिक लॉस हुआ है तो उसको फुलफिल करने के लिए, कंपेंसेशन करने के लिए आपको जो एक्ट बनाया गया है वो भी इसके अंदर आता है। तो लेट मी रिपीट माई सेल्फ, कुल मिला के 7 एक्ट हैं जो एनजीटी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। पहला फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट, एयर पोल्यूशन सेस एक्ट, सॉरी वाटर पोल्यूशन एंड वाटर सेस एक्ट, फिर हो गया एयर पोल्यूशन एक्ट, यहाँ पे फिर ये पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। तो कुल मिला के 7 हैं जो इसके अंदर आते हैं। कौन से नहीं आते हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और 1926 का फॉरेस्ट एक्ट, ये दो नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन बी, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? पहला है जनसंख्या में कमी और दूसरा IUCN द्वारा खतरे का स्तर। तो IUCN जो है एक रेड लिस्ट मेंटेन करती है, उसमें इंक्लूजन, किसी स्पीशी के इंक्लूजन के 3 पैमाने हैं, एक पॉपुलेशन लॉस का, दूसरा कितने वयस्क उस पॉपुलेशन के का, कितना एडल्ट पॉपुलेशन अभी अवेलेबल उस स्पीशी का, कितना एडल्ट पॉपुलेशन अभी अवेलेबल है, और नेक्स्ट 10 ईयर में चांसेस ऑफ एक्सटिंक्शन क्या है। ये 3 ग्राउंड हैं और इसके बेसिस पे IUCN की रेड लिस्ट में इनका क्लासिफिकेशन होता है। सबसे नीचे होता है नॉट स्टडीड, उसके ऊपर आता है डेटा इनिफिशियंट, सॉरी डेटा डिफिशियंट, उसके बाद आपका आएगा लीस्ट कंसर्न, उसके बाद आएगा नियर थ्रेटेंड, और फिर आता है वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटेंट इन वाइल्ड एंड एक्सटेंट, 3 उसके, ये उसके मतलब क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पे सिर्फ जनसंख्या में कमी जो पहला पैरामीटर है उसी के बेसिस पे क्वेश्चन बनाया गया है, यानी कि जो कितनी एडल्ट पॉपुलेशन है उस स्पीशी की और नेक्स्ट 10 ईयर्स में क्या है चांसेस ऑफ एक्सटेंशन, इसको कंसिडर नहीं करना है यहाँ पे। पहला है पिछले 10 वर्षों में 80% से अधिक, ये गलत है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित करने के लिए 90% होना चाहिए। फिर इंडेंजर्ड के लिए लिखा है 70%, ये सही है, और फिर लिखा है वल्नरेबल के लिए 60%, ये भी गलत है क्योंकि 60 नहीं 50% आएगा। तो पहला और तीसरा गलत हो गया, आपका आंसर है ऑप्शन सी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसमें से सत्य कथन को चुनें। पहला, प्लेटिपस एक ऐसा स्तनपायी है कि अन्य स्तनधारियों के विपरीत अंडे देता है। दूसरा, सरीसृप ठंडे खून वाले होते हैं लेकिन पक्षी गर्म खून वाले होते हैं। तो आपका पता होगा कि ऐसे प्राणी, ऐसे एनिमल जिनकी बैकबोन होती है उन्हें वर्टिब्रेट कहा जाता है। 5 कैटेगरी है, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, बर्ड्स, मैमल्स एंड फिश। इसमें सिर्फ बर्ड्स एंड मैमल्स यानी पक्षी और स्तनधारी ये जो हैं वो वार्म ब्लडेड हैं, बाकी सब कोल्ड ब्लडेड हैं। मतलब क्या इसका, कि आपका इन्वायरमेंट का जो भी टेम्परेचर हो आपकी बॉडी एक सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर मेंटेन रखेगी। एक इंटरनल मैकेनिज्म होती है, कैसे, इट विल बर्न इट्स ओन एनर्जी, आपका मेटाबॉलिज्म है उसको तेज कर देगा इत्यादि। हालांकि ये जो ठंडा खून और गर्म खून का क्लासिफिकेशन है ये थोड़ा साइंटिफिकली, अब साइंस हैज मूव बियॉन्ड दिस क्लासिफिकेशन, अब पता चल गया है कि इतनी सारी जो आपका थर्मो रेगुलेशन है उसके इतनी सारी टेक्निक्स हैं स्पीशी टू स्पीशी कि उसको नीटली 2 कैटेगरी, ठंडा खून वाले और गर्म खून वाले, उसमें क्लासिफाई करना अब उतना आसान रहा नहीं है। तो साइंटिस्ट हैव मूव बियॉन्ड दिस क्लासिफिकेशन, बट पॉपुलर लिटरेचर में अभी भी कंटिन्यू किया गया है। तो जो 5 वर्टिब्रेट हैं उसमें सिर्फ फिश एंड मैमल ये वार्म ब्लडेड हैं,
ये आपका दूसरा सही हो गया। पहला, प्लेटिपस एक ऐसा स्तनपाई है जो अन्य स्तनधारियों के विपरीत अंडे देता है। मैमल में आपको पता होगा मोस्ट ऑफ देम दे कंसीव लाइव चिल्ड्रन, जो लाइव, लेकिन एकमात्र प्लेटिपस ऐसा है। आप इंटरनेट पे गूगल कर लीजिए प्लेटिपस की पिक्चर वगैरह को, एक फेमस कार्टून भी आता था जिसमें प्लेटिपस का कैरेक्टर होता था, तो आप शायद कुछ लोगों को याद होगा, तो आप उसका पिक्चर देख लीजिए। ये एकमात्र मैमल है जो ये मतलब अंडे देता है। क्वेश्चन नंबर, तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 61, सार्वजनिक निधि प्रबंधन प्रणाली पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसमें से सही कथन को चुनें। पहला, यह नियंत्रक और महालेखाकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, विच इज ट्रू। अगेन, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? इफ यू रिमेंबर लास्ट इसमें पूछा गया था, प्लीज गो बैक एंड स्टडी, तो ये सही है। दूसरा, लाभार्थियों के, देखिए दरअसल होता क्या है कि ऐसे सिस्टम्स की जरूरत क्यों है, आपको पता होगा कि गवर्नमेंट अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर्स के लिए बोरोइंग करती है, दे हैव टू बोरो फ्रॉम मार्केट। सो अगर मान लीजिए गवर्नमेंट को किसी चीज के लिए, खर्च के लिए राज्य सरकार को या अर्बन लोकल बॉडी को या ग्राम पंचायत को पैसे भेजने हैं, पैसे की ज़रूरत है 3 हफ्ते बाद, लेकिन गवर्नमेंट को भेजना है, खाते से खाते में ट्रांसफ़र करना है, उसमें वक्त लगेगा, तो गवर्नमेंट ने 3 हफ्ते पहले बोरो कर लिया। अब गवर्नमेंट ने बोरो किया, फिर स्टेट गवर्नमेंट को भेजा, थोड़े टाइम तक वहाँ रहा, स्टेट गवर्नमेंट ने पंचायत को भेजा, थोड़े टाइम तक वहाँ रहा, पंचायत ने किसी ऑफिशियल को वहाँ से, तो 3 हफ्ते इंटरेस्ट लगता गया मार्केट बोरोइंग पे। रादर देन दैट, अगर कोई सिस्टम हो जहाँ इंस्टेंट ट्रांसफर्स हो सकें, तो रादर देन 3 वीक्स यू कैन बोरो ओनली फ्यू डेज बिफोर। तो ऐसे इंटीग्रेटेड वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम्स की मदद से गवर्नमेंट, एक तो एक्सपेंडिचर में एफिशिएंसी आती है और दूसरा गवर्नमेंट का खुद का एक्सपेंडिचर वो भी कम होता है। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम्स, PFMS उसमें आता है। दूसरा ये है कि लाभार्थियों के बिखरे हुए डेटाबेस के कारण प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में इसकी कोई भूमिका नहीं है। अब आप थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि कैसा बिखरा डेटाबेस। अब तो मोस्ट ऑफ दी बेनिफिशरीज हैं उनको आधार से लिंक कर लिया गया है, जो मोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स के MIS होते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें सबका डेटा होता है और ग्राउंड लेवल से लेके कैबिनेट के लेवल के सेक्रेटरी तक कोई भी एडमिन लॉगिन की सहायता से पूरा उसको एक्सेस कर सकता है। तो जब भी ड्यू डेट होता है ट्रांसफ़र का, इमीडिएटली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेंट्रल ट्रेजरी टू स्टेट। उसके लिए बस करना यही है कि जो सेंट्रल पीए, हाँ ये जो PFMS है ये एक सेंट्रल सेंटर के लिए है, उसने स्टेट ट्रेजरीज को, बैंक्स को और अलग अलग प्रोजेक्ट के MIS को साथ में इंटीग्रेट कर लिया है, और इसलिए इसमें ईयरबुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि PFMS का इसमें बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है। लेकिन फिर भी आपको ये लॉजिक से पता चल जाना चाहिए कि अब तो आधार कार्ड आ गया है तो लाभार्थियों का कोई ऐसा बिखरा हुआ डेटाबेस नहीं है, इट इज़ वेरी मच इंटीग्रेटेड। तो यहाँ पे आपका आंसर है केवल एक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ विद्युत क्षेत्र की योजनाएं दी हुई हैं और दूसरी तरफ उद्देश्य दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कि पिछले दिनों विद्युत क्षेत्र में कई सारे योजनाएं लाई गई हैं। एक तरफ है उदय योजना, यानी कि उदय का फुल फॉर्म क्या है, उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। उदय में डी स्टैंड्स फॉर डिस्कॉम, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो आपको पता होगा कि मैनी ऑफ देम आर रन इनएफिशिएंटली बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ डेट एंड अदर सोशियो पॉलिटिकल रीजंस। उनके इस डेट सिचुएशन को टैकल करने के लिए उदय स्कीम लाया गया था, तो पहला गलत हो गया। सामने लिखा हुआ है कॉलम बी में ग्रामीण कृषि और गैर कृषि फीडर को अलग करना। ऐसे और भी कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिए गए थे, जैसे कि फीडर अलग करना, मीटर इंफ्रास्ट्रक्चर को, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, मीटरिंग वगैरह, उसके लिए ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लाई गई थी। तो पहला गलत है। दूसरा, सौभाग्य सार्वभौमिक ग्रामीण विद्युतीकरण, यूनिवर्स
यूनिवर्सल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन वो सही है। तीसरा उज्ज्वला, ये दरअसल उल्टा कर दिया है, तीसरे के साथ है ग्रामीण घरों में एलपीजी कनेक्शन, जो बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड हैं उसमें विमेन के नाम पे एलपीजी कनेक्शन देना उसके लिए उज्ज्वला स्कीम था। और चौथा पहल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उसके लिए से जुड़ा हुआ था। तो पहला, तीसरा और चौथा गलत हो गया। आपका आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक प्रवाह उपचार योजना CETP के उद्देश्यों में से एक है, यानी कि कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्कीम से जुड़ा हुआ है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको सही उत्तर देना है। पहला, प्रदूषण नियंत्रण के लिए सहयोगकारी आंदोलन को बढ़ावा देना। दूसरा, पर्यावरण की सुरक्षा को अधिकतम करते हुए उपचार लागत को कम करना। और तीसरा, अपशिष्ट जल उपचार और जल संरक्षण। तो ये एक तो पहली बात तो ये कि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंटर ओवरऑल एक्सपेंडिचर का सर्टेन पार्ट बेयर करेगी। अभी 50% सब्सिडी ऑन व्हाट, अगर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का क्लस्टर है, जैसे कि कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्लस्टर्स होते हैं, काफ़ी सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज एक जगह होते हैं, वो कोई ऐसे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान, कॉमन यानी कि पूरे क्लस्टर के लिए कॉमन प्लांट लगाते हैं, तो उसमें 50% सब्सिडी सेंटर देगी। अब देखिए, अब एक एक करके इसमें आते हैं। और ये तीनों प्रकार के ट्रीटमेंट के लिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों लेवल के एफ्लुएंट ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल हो, ये प्रोजेक्ट है उसके लिए। और ये जो ट्रीटमेंट प्लांट होगा ये कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा, उसके थ्रू आएगा, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी चला रहा है। पहला, प्रदूषण नियंत्रण के लिए सहयोगकारी आंदोलन को बढ़ावा देना, ऑब्वियसली कॉमन, तो पूरे के पूरे ऐसा क्लस्टर में, और ये जो चलेगा CEPT ये भी कोऑपरेटिव्स के थ्रू। दूसरा, पर्यावरण की सुरक्षा को अधिकतम करते हुए उपचार लागत को कम करना। अगर सब मिलके खोल रहे हैं क्लस्टर में, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के साथ सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि टू अडेयर टू इन्वायरमेंटल एंड लेबर रेगुलेशंस, उनके कॉस्ट काफ़ी दिक्कत देती है उनको। तो ये यहाँ है कि पर्यावरण का संरक्षण भी हो और लागत भी कम लगे। और तीसरा, अपशिष्ट जल उपचार और जल संरक्षण, तो वो तो सेल्फ मतलब जो नाम से पता चल रहा है। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसमें से सत्य कथन कौन सा है यह बताएं। पर्यावरण, वन और जल परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय UNEP के लिए नोडल मिनिस्ट्री है। UNEP मीन्स यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसके बारे में अभी हमने देखा IPCC के कॉन्टेक्स्ट में। और नोडल मिनिस्ट्री होने का मतलब ये है कि अगर UNEP के साथ कोई भी कोऑपरेशन होता है, कोई कोलेबोरेशन होता है, जॉइंट रिसर्च हो गया, फंडिंग हो गया, सेमिनार्स, प्रोजेक्ट, कुछ भी हुआ, उसके लिए नोडल मिनिस्ट्री कॉन्टैक्ट इस बॉडी के साथ होगा, विच इज़ ट्रू। अब ये वाला तो देखना आसान था, क्योंकि इन्वायरमेंट प्रोग्राम नाम से पता चलता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट बॉडी तो यही मिनिस्ट्री है। दूसरा, विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के लिए, ये एक फंडिंग पैटर्न है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करने का, ग्लोबल वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है, के लिए वित्त मंत्रालय नोडल मिनिस्ट्री है। अब यहाँ पे ट्रिक ये है कि आपको लगेगा कि ये बैंकिंग एंड फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, तो आइडियली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होना चाहिए, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का यूनिक पर्पज़ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग। तो इसलिए यहाँ पे भी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ही उसको नोडल मिनिस्ट्री है उसके लिए। आप ईयरबुक में देखिएगा, पूरा लिस्ट दिया हुआ है और कौन कौन सी बॉडीज़ हैं जिनके लिए ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है नोडल मिनिस्ट्री है। आपका यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। अगेन, यहाँ पे अगर आप बिना स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के कॉमन सेंस से आंसर देने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 65, राष्ट्रीय व्यापार सुविधा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन चुनें, यानी कि नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन कमिटी, नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन कमिटी,
यह विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सुविधा समझौते के तहत अनिवार्य संस्थागत व्यवस्था के एक भाग के रूप में स्थापित की गई है। तो आपको पता है कि WTO का जो FTA था, ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट, इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है, ये बाली मिनिस्ट्रियल में साइन हुआ था और 2017 में से ये इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है इसका, 2017 से इम्प्लीमेंटेशन चालू है। करना क्या चाहते हैं, ये दुनिया भर की जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से जुड़े हुई प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करना, मॉडर्नाइज करना और हार्मोनाइज करना चाहते हैं। मीन्स अगर कॉम्प्लेक्स, हार्मोनाइज करना क्या कि अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग जहां तक हो सके सिमिलर प्रोसेस हो ताकि तेज़ी से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सके, ट्रेड को फैसिलिटेट करना, ये इसका मकसद है। तो आप जानते हैं कि इस लंबी चौड़ी प्रोसेस में कई सारी बॉडीज जुड़ी हुई हैं, कई सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होंगी, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री इत्यादि मिनिस्ट्रीज, कई सारे दूसरे इंस्टीट्यूट होंगे जैसे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, रेलवे बोर्ड हो गया, कई सारे ट्रेड एसोसिएशन लाइक फिक्की इत्यादि हो गए। तो दे ऑल हैव टू कम टुगेदर ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म टू यू नो थ्रैश आउट अ पॉलिसी या नंबर ऑफ स्टेप्स की एजेंडा कि हमें ये चीज़ें करनी है इस टाइमलाइन में टू सेटिस्फैक्शन ऑफ दीज पैरामीटर्स टू इम्प्लीमेंट TFA। उसी कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि तो ये आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि इस TFA के अंदर जो हमारे ऑब्लिगेशंस हैं उसको पूरा करने के लिए इसे बनाया गया है। दूसरा, इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं, ये भी सही है। ये और इसमें और भी कई कंसर्न मिनिस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, और भी बॉडीज़ जैसे कि मैंने कहा कि डायरेक्ट टैक्सेस बोर्ड, कस्टम बोर्ड हो गया, रेलवे बोर्ड हो गया, ऐसे कई सारे बॉडीज़ हैं उनके, क्योंकि ऑफ कोर्स रेलवे का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कस्टम ड्यूटी, और जो रिलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके मेंबर्स भी होंगे। इस बॉडी में स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी कोऑप्ट किया जा सकता है। टोटल स्ट्रेंथ इस बॉडी की 24 है विच कैन वेरी, और 15 मेंबर्स का एक कोर ग्रुप है, इसको आप स्टैंडिंग ग्रुप के तौर पे देख सकते हैं। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन लघु बचत योजना संचालित करता है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स। देखिए आप देखेंगे तो जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं ये कोई एक नहीं है, कई सारे हैं। फिक्स डिपॉजिट के लिए है, टाइम डिपॉजिट्स के लिए है, सुकन्या समृद्धि जो है वो भी इसी में आता है, फिर किसान विकास पत्र हो गया, और इसके अलावा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। तो ऐसे कई सारे स्कीम्स हैं, दे ऑल टुगेदर दे आर कॉल्ड स्मॉल सेविंग स्कीम्स। कहा गया है कि ये कौन चलाता है, तो ऑब्वियसली इससे पता चल गया होगा सुकन्या समृद्धि इत्यादि से आपको कि चला तो डाक विभाग रहा है, लेकिन इसमें एडिशनल फैक्टर ये है कि इससे रिलेटेड पॉलिसी डिसीजन कि किसी फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट रेट क्या होगा, मैच्योरिटी पीरियड क्या होगा, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है इत्यादि, जो सारे पॉलिसी डिसीजंस हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री लेती है। हर साल आता है कि भाई इस साल PFO के लिए, PPF के लिए इतना परसेंट इंटरेस्ट रेट रहेगा, तो डिसीजंस फाइनेंस मिनिस्ट्री लेती है, लेकिन इम्प्लीमेंट पोस्टल डिपार्टमेंट करता है और जो डाक पोस्ट ऑफिस होते हैं उसके थ्रू चलाए जाते हैं। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67, तिथि भोजन एक अवधारणा है जिससे मिड डे मील कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस पहल को लागू कर रहा है, स्टेट आउट ऑफ इंडिया ईयरबुक लिया गया है क्वेश्चन ये। आपका आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। इसमें होता क्या है कि देखिए हम कई बार हमारे फैमिली में सेलिब्रेशन होते हैं, किसी का बर्थडे है, किसी के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ गए, या कोई कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वी गिव पार्टीज, लोगों को बुलाते हैं। तो इस तिथि भोजन में कहा है कि आप ऐसे एक्सपेंडिचर करने की जगह, अगर आपके गांव में कोई स्कूल है या आपके आसपास कोई स्कूल है जहां मिड डे मील सर्व किया जाता है, तो आप वहां कंट्रीब्यूट कीजिए, जैसे कि लोग लंगर में कंट्रीब्यूट करते हैं वैसे। कैसे, तो आप किसी विशेष दिन बच्चों को मिठाई खिला सकते हैं, या कोई सप्लीमेंट दे सकते हैं, कोई न्यूट्रिशनल चीज़ दे सकते हैं, या का पूरा एक दिन का आप उनका भोजन फाइनेंस कर सकते हैं। तो ऐसे कम्युनिटी ओनर, किसी एक सोशल प्रोग्राम की कम्युनिटी ओनरशिप को बढ़ाने के लिए, उसके सोशल एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए एक तरीका है, और ये गुजरात में किया जा रहा है। आपका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसमें से सत्य कथन चुनें। नौसेना में
पहला, नौसेना में रियर एडमिरल रैंक सेना में मेजर जनरल के पद के बराबर है। हाल में थोड़ा आर्म फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, हमेशा होते हैं, तो ये आपके सामने। आर्म फोर्सेस में दो, अब देखिए दो लेवल होता है, एक होता है नॉन कमीशनड ऑफिसर और एक होता है कमीशनड ऑफिसर। कमीशनड ऑफिसर की बैज उनके शोल्डर के ऊपर होती है और नॉन कमीशनड की यहाँ साइड में। तो आपको कंपेयर किया करने को कहा है कि एक्चुअली तीनों सेनाओं में रैंक जो है कमीशनड ऑफिसर की उनका लेवल है जो इक्वल। अगर आप नौसेना से हैं और आप एयरफोर्स से किसी से मिल रहे हैं तो आप दोनों में से सीनियर कौन है वो आपके रैंक के हिसाब से डिसाइड होगा, इसी हिसाब से आपकी कमांड एंड कंट्रोल हायरार्की भी डिसाइड होगी। तो यहाँ पे पूछा है नौसेना में रियर एडमिरल रैंक सेना में मेजर जनरल पद के बराबर है, ये सही है। आर्मी में होगा मेजर जनरल, यहां पे होगा रियर एडमिरल और यहां पे होगा एयर वाइस मार्शल, फिर यहां पे एयर मार्शल और एयर चीफ मार्शल, यहां पे वाइस एडमिरल और एडमिरल, यहां पे लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। पहला वाला सही है। दूसरा, वायुसेना में ग्रुप कैप्टन रैंक ये सेना में कर्नल रैंक के बराबर है, ये भी सही है, और एयर फोर्स में आपके बराबर आते हैं, सॉरी नेवी में बराबर आते हैं कैप्टन। ग्रुप कैप्टन, कैप्टन और कर्नल ये एक दूसरे के बराबर आते हैं। जो आर्मी में कर्नल हैं वो लेफ्टिनेंट के बाद आते हैं, तो देर इज जो नेवी के कैप्टन हैं वो काफ़ी सीनियर होते हैं आर्मी के कैप्टन से। और स्क्रीन पे आप फिगर देख सकते हैं, पूरा कंपेरेबल चार्ट दिया हुआ है आपको कि विच रैंक कंपेयर्स टू विच रैंक इन विच सर्विस। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसमें से सत्य कथन कौन सा है ये आपको चुनना है। पहला, RTE अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत कानूनी रूप से यह अनिवार्य है कि निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल यानी कि नॉन गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, प्राइवेट नॉन एडेड स्कूल्स और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 33% सीटें आरक्षित करें। देखिए, इस स्टेटमेंट में दो चीज़ें गलत हैं। पहला तो आपको पता होगा कि संविधान में जो आर्टिकल 30 है उसके तहत माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को काफ़ी सॉलिड इम्यूनिटी मिली हुई है ऐसे अफर्मेटिव एक्शंस के लेजिस्लेशन से, तो किसी भी प्रकार का आरक्षण वहाँ लगाने से रोक है आर्टिकल 30। तो एक तो वो गलत हो गया, दूसरा परसेंटेज भी गलत है, 33 नहीं 25% आपको रिजर्व करना है। हाँ, गवर्नमेंट वो रीइंबर्स कर देती है। पहला गलत हो गया। दूसरा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य, RTE तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए है, अब आते हैं माध्यमिक शिक्षा पे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य वर्ष 2020 तक माध्यमिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 90% तक ले जाना है। इसमें ईयर तो सही है, 2020 ईयर सही है, लेकिन परसेंटेज गलत है। दरअसल इसको 90% नहीं 100% तक ले जाना है। इसका जो माध्यमिक शिक्षा अभियान है इसका दो पर्पज़ है, एक GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो विच शुड रीच 100% बाय 2020 और दूसरा है क्वालिटी, कि माध्यमिक शिक्षा की क्वालिटी कैसे बढ़ाया जाए। तो आपने हाल में सुना होगा एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे, इट इज वन ऑफ द मैनी स्टेप्स टू इंश्योर क्वालिटी इन सेकेंडरी एजुकेशन। आप ईयर बुक में देखिएगा, पूरी एक लिस्ट दी हुई है कि और भी कई स्टेप्स लिए गए हैं इस एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, जैसे कि शाला सिद्धि, शाला दर्पण, GIS मैपिंग, ऐसे कई सारे पोर्टल्स हैं जो डेवलप किए गए हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, आपका आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संगठन पैन कार्ड जारी करते हैं। पहली बात तो अलॉट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंदर इनकम टैक्स एक्ट 1961, लेकिन यहाँ पे पूछा है कौन जारी करता है यानी कि एक्चुअली में कौन इम्प्लीमेंट करता है, जैसे कि हमने वो स्मॉल सेविंग स्कीम्स वाले में देखा था कि इम्प्लीमेंटेशन किसके हाथ में,
तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस काम को आउटसोर्स कर दिया है। आप में से अगर किसी ने हाल ही में पैन कार्ड बनवाया हो ऑनलाइन, या किसी ने अपना कुछ भी उसमें चेंजेस कराए हो, तो आपको पता होगा कि आप वेबसाइट पे जाते हैं, नेसेसरी डिटेल्स भरते हैं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करते हैं, और फिर उसका हार्ड कॉपी भी भेजना होता है। फिर आपको बाद में मैसेज आता है कि अप्रूव हुआ है, प्रोसेस हो रहा है, मतलब फिनिश हो गया है और आपको भेज दिया गया है। तो ये कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ऑब्वियसली ये गलत है। दो बॉडी हैं, यूटीआई आपका आंसर है ऑप्शन सी, केवल दो और तीन, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये मोस्टली तो कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई बॉडी है, फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ी हुई, और दूसरा यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड। अगेन थोड़ा फैक्चुअल है, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था कि एटीएम वगैरह कौन मेंटेन करता है, तो उसका आंसर था बैंकिंग एसोसिएशन। वैसे ही यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन सी, केवल दो और तीन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस नहीं है आप इसमें, तो आंसर है ऑप्शन सी, केवल दो और तीन। थैंक यू।